हेलो एवरीवन, सेल्स टैप हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में कि क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस होगा, कितनी आपको रनिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है रिक्रूटमेंट की, और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में नेक्स्ट हाफ जो होगा, सेकेंड हाफ जो होगा, वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं सारा कि एसपी पुलिस कॉन्स्टेबल में क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो एक नोटिस आया था, या कह लो कि एक न्यूज आई थी, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक ये मैं मान के चलो ये स्टेप लिया गया था, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन को 30% कर दिया गया है। यानी कि जो वुमेन कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले जो 25% जो मिलता था आरक्षण मिलता था, अब वो 30% हो चुका है, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रॉपर एक न्यूज आई थी, ठीक है, कि टोटल हिमाचल में पुलिस कॉन्स्टेबल की 1226 पदों के को भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और जो अपना गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि इसमें 30% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। तो उसके ऊपर एक पूरा एक हमारे पास न्यूज आया था, न्यूज का ये मैंने एक हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, 8 जून की ये न्यूज है, जिसमें प्रॉपर मेंशन किया गया था कि 1226 वैकेंसीज है जिनकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, 30% रिजर्वेशन इस पर वुमेन को मिलने वाले। यानी कि इसका मतलब ये है कि लड़कियों के लिए भी इस बार सरकार कुछ करने जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो आपके सामने हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन के लिए 818 पोस्ट है, वुमेन के लिए 351 पोस्ट है, और मेल ड्राइवर्स इनके लिए 57 पोस्ट है, ठीक है। और कोशिश की जा रही है कि वुमेन को 25 की जगह पे जब कह रहे हो कि 25-30% रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी, तो ये मेंशन किया गया था इस पर्टिकुलर न्यूज में, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि भाई अगर वैकेंसी आने वाली है तो इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हमने अपनी फिटनेस को रखना है, रनिंग कितना करना है, हमें मेंटली कितना स्ट्रांग होना है, हमने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या मैं ये फॉर्म भर भी सकता हूँ कि नहीं, तो वो सारा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देख लो वैकेंसीज का। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे बिलासपुर की बात करें, 46 मेल, 19 फीमेल, 3 ड्राइवर्स। उसी तरीके से आपके पास चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, इन सब में अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ पे है, कांगड़ा में, क्लियर। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हमारी होने वाली है, डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज हमारी वैकेंसी जो है वो होने वाली है हमारे पास एचपी पुलिस कॉन्स्टेबल की। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहली चीज तो होती है जी एज, कि क्या हम उस एज ब्रैकेट में आते हैं जिसमें ये वैकेंसी आएगी। तो एज लिमिट है इसकी 18-25 साल, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा और 25 से कम है तो आप एलिजिबल हो। बट अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे एज, ठीक है। यानी कि आपकी एज लिमिट क्या हो जाएगी, 18-27। इस चीज को समझिएगा, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 18 साल से लेकर 25 साल तक। अगर आप ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी जो एज लिमिट होगी वो 18-27 तक चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10+2 बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी, तो चलो इंडियन सिटीजन जो नॉर्मल होता है वो तो है ही है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। अब देखो ये वो चीजें हैं जो आपको होनी ही चाहिए आपके पास। पहला क्या है कि 18 से 25 के बीच एज होनी चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से है तो 18-27 होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2 होनी चाहिए। फिर हाइट की बात करें तो 5'6" मेल कैंडिडेट्स के लिए और 5'2" हमारे पास रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मेल्स के लिए चेस्ट की मेजरमेंट है 31 इंचेस अनएक्सपेंडेड और 1.5 इंचेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है भैया, ये मिनिमम हमारे पास क्राइटेरिया है। तो अगर आपकी जो हाइट है अगर वो 5'6" से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है एसपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और अगर आप फीमेल है तो आपकी जो हाइट है वो 5'2" होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से इसका रहने वाला है,
तो सबसे पहली चीज होगी रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन में क्या रहेगा हमारे पास, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, और इसमें एक चीज और ऐड कर लो, साइंस। हालांकि साइंस जो है मैं उसको जनरल नॉलेज में ही कंसिडर करूंगा, लेकिन साइंस के 8 सवाल अलग से भी आते हैं, तो इसीलिए मैंने साइंस को अलग से भी लिख दिया, ठीक है। बाकी पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसमें 80 सवाल होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का आपके पास समय आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं अभी, ठीक है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि कितनी हमारे पास मार्किंग होगी। अब एक चीज और है, ये जो पैटर्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का पैटर्न है। इस बार जो एग्जाम है वो HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी मेंशन किया गया था, एक अगर मैं पूरी आर्टिकल की अगर बात करूं तो उसमें HPPSC को, ठीक है, कमीशन को बोला गया था कि आपने इसकी रिक्रूटमेंट को करवाना है, तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, ये जो पैटर्न है इट कैन बी चेंज्ड, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा नंबर आता है हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, PST का, जिसमें मेजरमेंट्स होंगी हाइट का, वेट का और चेस्ट का। वेट आपका हाइट के और एज के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वेट कितना, बस ये है कि 50 से ज्यादा ही हो तो अच्छा है, 50 kg से अगर ज्यादा है तो फिर आप एलिजिबल है, और ओवर वेट भी मत हो जाना, कि ऐसा नहीं है 80 किलो वेट है या 90 किलो वेट है, मतलब ये मान के चलो कि 50 to 65 की ब्रैकेट में अगर आप हो तो एक ठीक है आपका वेट, ठीक है, बाकी ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरे नंबर पे। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1500 मीटर की रेस होगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस होगी। मेल कैंडिडेट्स को मिलेंगे 6.5 मिनट और फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेंगे 4.25 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो 6.5 मिनट में 1500 मीटर की रेस करनी है आपने, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपने 4 मिनट और 15 सेकंड में 800 मीटर की रेस करनी है। इसके लिए आपको मिलेगा एक एक चांस, एक चांस मिलेगा भाई, ऐसा नहीं है मल्टीपल चांसेस नहीं मिलेंगे कि चलो इस बार नहीं हुई अगली बार कर लेंगे, ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट स्प्रिंट्स तो वैसे नहीं होती है इसमें, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा, जिसके लिए आपको 3-3 चांसेस मिलेंगे, 3-3 चांसेस आपको मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल जैसे नॉर्मल मेडिकल होता है वही है, जिसमें आपका चेक किया जाएगा आपकी फिजिकल फिटनेस को, है ना, कि कोई हड्डी वगैरह टेढ़ी तो नहीं है ना, वो सारी चीजें चेक करते हैं, आईज वगैरह का टेस्ट होगा आपका, ये सारी चीजें आपकी चेक होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो सॉर्टेड है, पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिर होगा PET, PST, फिर होगा PET, फिर होगा मेडिकल, ठीक है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मेरिट लग जाएगी फाइनल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं पहले, तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है बच्चे, कि इंग्लिश के आपके रहेंगे टोटल 16 क्वेश्चंस, ठीक है, इंग्लिश के टोटल आपके 16 सवाल रहेंगे, इंग्लिश के 16 क्वेश्चंस रहेंगे 16 मार्क्स के, हिंदी के आपके 16 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स एंड साइंस के 16 क्वेश्चंस हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8+8, ये आपके 8+8 MCQ रहेंगे यहां पे, ठीक है, 8 सवाल होंगे मैथ के और 8 सवाल होंगे हमारे साइंस, ठीक है, बेसिक साइंस के। उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज, जिसके 16 क्वेश्चन होंगे, इसमें अब इंडिया की जीके भी होगी और HPGK भी होगी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस में चलो अलग से आ जाएगी, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 चीजें रहेंगी इसमें, करंट अफेयर्स भी और HPGK भी, ठीक है, तो ये रहेगा जनरल नॉलेज का पार्ट। उसके बाद आएगा रीजनिंग एप्टीट्यूड, बेसिक रीजनिंग आएगी, 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एग्जाम बहुत ईजी होता है भाई, ठीक है, कॉम्पिटिशन भी कम है क्योंकि एज ब्रैकेट बहुत कम है, और सवाल जो आपका एग्जाम जो है ये वैसे भी इजी लेवल का ही रहेगा, ज्यादा ऐसा टिपिकल लेवल नहीं होगा, 10+2 लेवल का आपका ये एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि 1500 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड, और यहाँ पे 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड। उसके बाद हाई जंप 1.25 मीटर का होगा, मेल के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है, और 1 मीटर का रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसके लिए भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 में से किसी 1 अटेम्प्ट में अगर आपने कर लिया कवर तो वो ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रॉड जंप, यानी कि लॉन्ग जंप, ब्रॉड जंप किसको बोलते हैं हम, लॉन्ग जंप को। तो लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप में 4 मीटर रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 चांस, और हमारे पास 3 मीटर रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए भी आपको 3 चांस जो है वो मिलने वाले हैं। ये होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, बस इसमें 3 चीजें होंगी हमारी, अगर आप ये 3 चीजें क्वालिफाई कर लेते हो तो आराम से कर सकते हो। तो अब देखो जी,
ये चीजें करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और कर लोगे, स्टेमिना बहुत मैटर करता है बच्चा इसके लिए, स्टेमिना एंड प्रैक्टिस। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमने एग्जाम की तैयारी नहीं करनी कि हम बस पहले एग्जाम खत्म करेंगे उसके बाद ये करेंगे, आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। रनिंग करना शुरू करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा मुश्किल मुश्किल बहुत है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। 6.5 मिनट में 1500 मीटर एक अच्छा खासा चैलेंज होता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे रनिंग करते हो, 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आपके लिए ये इजी टास्क रहेगा। इसके अलावा आपने हाई जंप और लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? आपने इसके लिए तो प्रिपेयर्ड ही रहना है, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं हो रही है आपसे, इसके लिए आपने फुली प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि सिलेबस क्या है जी। अब हम सिलेबस की बात करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस की, कि भाई ये जो जनरल नॉलेज लिखा था उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले तो भाई करंट अफेयर्स जो ज्यादा सवाल बनते हैं, उसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे स्पोर्ट्स डे कब होता है, जैसे आज की अगर हम बात करें 20 जून तो रिफ्यूजी डे है आज, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा अवार्ड्स के बारे में बात हो जाती है, देन हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री और हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, हालांकि एचपी जीके तो आपने सारी ही पढ़नी है, बट इसके साथ है इंडियन हिस्ट्री भी आपने पढ़नी है। फ्रीडम मूवमेंट है जैसे 1857 के बाद जो जो मूवमेंट्स हुए हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं इसमें, ठीक है? बेसिक बेसिक फैक्चुअल बस, ज्यादा नहीं। ज्योग्राफी आएगी, फिजिकल ज्योग्राफी है एचपी हिमाचल की भी और इंडिया की भी। उसके बाद पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है? देन इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इंडियन इकोनॉमी के, वो आपने पढ़ने हैं। देन हमारे पास साइंस आएगी, साइंस के 8 सवाल अलग से आएंगे भाई, 8 MCQ ये अलग से रहेंगे, मैथ मैथ और साइंस के सेक्शन के साथ रहेंगे, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऊपर कुछ बेसिक बेसिक सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, कोई ज्यादा डीप इसमें नहीं बनेगा, ठीक है? बिल्कुल फैक्चुअल। स्टैटिक जीके जैसे बुक्स और ऑथर, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनरल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, आपने यूएन का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, इनके हेडक्वार्टर्स और हेड के बारे में पूछा जाता है, यही रहती है स्टैटिक जीके का बात, ठीक है? उसके बाद आएंगे करंट इवेंट्स, जो हमने पहले डिस्कस किया है करंट अफेयर्स में, ये करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये हमारा जनरल नॉलेज का है। देखने में हो सकता है आपको लगे कि बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस है, लेकिन इतना नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का आपके एग्जाम में आएगा, फैक्चुअल लेवल का आपके एग्जाम में इसमें आने वाला है, और इसकी टोटल वेटेज जो होगी वो 18 मार्क्स रहेगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पैटर्न। प्रीवियस ईयर पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस बार अगर चेंज होता है, जैसे कि HPPSC हर बार पैटर्न चेंज कर देता है जो छोटे पेपरों का, तो हो सकता है इसका भी चेंज हो जाए, कोई इशू नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न ही चेंज होगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये चीजें आती है बच्चे, ग्रामर आ जाएगी, वोकैबलरी आ जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, जो पैराग्राफ होता है वो बड़ा सा, सेंटेंस करेक्शन मतलब एरर के ऊपर, स्पेलिंग एरर के ऊपर सवाल आ जाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर, इसमें भी टोटल आपके 16 MCQs बनेंगे, ठीक है? जैसे इंग्लिश है वैसे हिंदी भी है, बस ग्रामर की जगह व्याकरण हो जाएगा, शब्दावली हो जाएगा वोकैबुलरी की जगह पे, ठीक है ना? कॉम्प्रिहेंशन वही चीज है, पैसेज वगैरह जो आपको आएगा, सेंटेंस करेक्ट करना है, स्पेलिंग है, एडियम फ्रेसिस वगैरह जो है वो आपको पूछे जाएंगे हिंदी में, ठीक है? ये वही चीज है जो इंग्लिश में होती है, वही सेम चीज हिंदी में भी होती है, ठीक? नेक्स्ट अगर हम देखें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स कोई ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है, बहुत मुश्किल चीज आएगी आपको 8th लेवल का, और कुछ टॉपिक 10th लेवल के, मेजोरिटी 8th लेवल का, जैसे ये सारा क्या है नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, 8th लेवल के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारा 8th लेवल का है। एल्जेब्रा जो है ये बेसिक ऑपरेशंस है, एक्सप्रेशंस है, ये 8th लेवल के हैं। ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, एरिया एंड पेरीमीटर, ये जो है ये भी 8th लेवल में और 9th क्लास में आता है थोड़ा सा। और ट्रिग्नोमेट्री आती है हमारी 10th क्लास में, और इसमें मेंशन किया गया है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंड आइडेंटिटीज, मतलब बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला, कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं आएंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है मेंसुरेशन, क्लास 8th में होता है ये भी, जिसमें वॉल्यूम और सर्फेस एरिया निकालते हैं, 8th क्लास का सिलेबस है ये। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस यह है कि थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, तो आपको इसको सिलेबस को कवर करने में समय ज्यादा लग सकता है, दैट्स इट, ठीक है ना? उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग आएगी, नॉन वर्बल आएगी, लॉजिकल आएगी, एनालिटिकल आएगी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपने देखी होंगी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, वर्ड रिलेशन, सिलोगिज्म, सीरीज हो गया, मिरर इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स हो गया, तो
तो ये चीजें हमने देखी हुई है ऑलरेडी, है ना। ये लॉजिकल रीजनिंग में ये वाला पार्ट बहुत कम आता है, इसमें एक आधा सवाल है अगर मिल गया तो, बाकी बहुत कम आता है। ज्यादातर आपको वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर ही सवाल आएंगे। ठीक, तो ये था हमारा सिलेबस पूरा। आई होप आपको पता चल गया होगा। पूरा डिटेल्ड पूरे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने ये सिलेबस डिजाइन किया है। ठीक है, आपने इसी के थ्रू ही पढ़ना है, आपने यही चीजें जो है यही आगे चल के पढ़नी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। देखो जो पहला स्टेज है ना वो एग्जामिनेशन ही है, अगर उसको आप अच्छे नंबर से पास करोगे तो मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि भाई जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमारा होगा उसमें तो आपने करना ही करना है, वो तो क्लियर करना ही है। ठीक है, बाकी मेडिकल भी अगर आप फिट हैं बिल्कुल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऑर्थो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिट हैं, तो मेडिकल की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली आप रनिंग वगैरह कीजिए, वो आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, वो चीज़ आप करिए। बाकी रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम के लिए हम हैं सेल्स रेप हिमाचल, हमेशा से ही हिमाचल के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, तो हम आपको हर एक पॉसिबल वे से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ना होगा इसको। ठीक है, बाकी हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हर एक चीज हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि अब अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे कॉन्स्टेबल की। हमने सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, सिलेबस खत्म नहीं करना, हमको सिलेक्शन लेना है। हमारा टारगेट क्या है? सिलेक्शन, ना कि सिलेबस कंप्लीशन। तो हम उसी तरीके से ही अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।